प्राप्त हुए, लेकिन उन 20 जवानों की वीर गति ने भारत को हमेशा जो है इतना मजबूत कर दिया कि कोई भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं दे सकता। ये सब संभव हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज आप देखिए सड़कों के क्षेत्र में किस प्रकार का काम हो रहा है। सड़कों के क्षेत्र में यहां दिल्ली से देहरादून जाने वाली सड़क अभी आप 3.5-4 घंटे में दिल्ली पहुंचते हैं। आने वाले समय में आप दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूरी करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं उसके लिए 12,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। 12,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हमारी डाटकाली मंदिर से लेकर सीधे जो है जो आगे को जोड़ने वाला दिल्ली को जोड़ने वाला रोड है उस रोड पर एलिवेटेड रोड बनेगा। हरिद्वार को जाने वाला रोड इतना सुगम हो गया है, चार धाम की तरफ जाने वाला इतना सुगम हो गया है। अभी भाई पूनम नौटियाल कह रहे थे, मैं आपको बताऊं आपको यहां से टेहरी जाने में अधिकतम जो है 45 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगने वाला है। 9,000 करोड़ रुपए की यहां से सुरंग, जो यहां से टनल जिसकी हमने मांग करी थी, वो टनल भी हमारी जो है स्वीकृति की प्रोसेस में आ गई है। मात्र 35 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी देहरादून से टेहरी की। तमाम क्षेत्रों में जो है इस प्रकार के काम हो रहे हैं। हमारी सरकार भी मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, चाहे वो नौजवानों के क्षेत्र में हो। अभी हमने कोरोना काल में जो बच्चे हमारे अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों को उनके भरण पोषण के लिए, उन बच्चों को उनके माँ बाप की कमी ना करे, उनको देखने वाला कोई नहीं है, उन बच्चों को देखने का काम अब सरकार करेगी। उनके लिए हम वात्सल्य योजना लेकर आए हैं। इसी प्रकार से अभी जो कोरोना काल में हमारे ऐसे बहुत सारे नौजवान, ऐसे बेरोजगार भाई जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाए, समूह ग की परीक्षा में, समूह ख की परीक्षा में, उनके लिए हमने 1 साल आयुष्यमा में बढ़ोतरी की है, 1 साल आयुष्यमा बढ़ाई है। इसके साथ साथ जितनी परीक्षाएं प्रदेश के अंदर होंगी, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होगी, चाहे हमारे समूह ग की परीक्षा होगी, ख की होगी, चिकित्सा चयन बोर्ड की होगी, प्रायोगिक शिक्षा परिषद के माध्यम से होगी, जो भी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं में हमारे बेरोजगार भाइयों को आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इस समय कोरोना महामारी के कारण से फार्म भरने के लिए भी उनको किल्लत हो रही है। उनके लिए हमने कहा है कि अब 2022 तक उनको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, परीक्षाओं का कोई शुल्क नहीं लगेगा, सारे शुल्क को हमने मुक्त कर दिया है। हम बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, हमारे प्रतिपक्ष के लोग कह रहे हैं, अभी ये कह रहे थे, मैं अखबार में बयान पढ़ रहा था कि पुष्कर सिंह धामी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हो सकते थे, लेकिन उनसे इतनी घोषणाएं करवा दी जा रही हैं और घोषणाएं पूरी नहीं करेंगे तो मजाक के पात्र बन जाएंगे। अरे भाई, मजाक के पात्र तो आप बन गए हो। आप लोगों ने जो सरकार रहते हुए जितनी घोषणाएं करी थी हजारों हजारों की संख्या में, उसमें सैकड़ों भी पूरी नहीं हुई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं वचनबद्ध होकर कहता हूं, जो भी घोषणाएं हम करेंगे उन घोषणाओं के सबके शासनादेश निकलेंगे, सबके डीबीटी के माध्यम से खातों में पैसे जाएंगे। हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, हम काम करने पर विश्वास करते हैं। हमने जितनी घोषणाएं करी हैं सारी घोषणाएं धरातल पर उतरेंगी, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी हमने करी हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, तमाम प्रकार की योजनाएं, मैं उनका मार्गदर्शन लेने के लिए जब दिल्ली गया था तो मैं आपको बताऊं कि मेरा मात्र 15 मिनट का समय फिक्स हुआ था। 15 मिनट का समय था कि मुझे 15 मिनट मोदी जी से बात करनी है, और वो बात करते करते 1 घंटे 40 मिनट तक उत्तराखंड के एक एक पहलू पर उन्होंने डिस्कस किया, एक एक पहलू पर उनका कितना लगाव उत्तराखंड से है। वो कहते हैं वहां के सैनिकों का कैसा है, वहां के हमारी माताओं बहनों का कैसा है, वहां पर पर्यटन की स्थिति कैसी है, वहां पर जो है किसानों की स्थिति कैसी है, कोई क्षेत्र वैसा वो छूटता हो। तो हमने तय किया है कि आने वाले 10 वर्षों में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का हर क्षेत्र में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए जितनी योजनाएं होंगी, जितना काम होगा, हम पूरे प्राणों प्राण के साथ करेंगे। कई बार मुझसे पूछते हैं कि आपके पास समय कम है, आपको कम समय मिला है। मैंने कहा समय चाहे कम हो, लेकिन हमारी भावना है कि हम उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहते हैं, हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं। हमारी जनता जानती है कि हमारी भावना कैसी है। मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान कभी सामने नहीं आते हैं, भगवान किसी रूप में नहीं आते हैं। आप लोग देखिए, भगवान आते हैं तो भाव में आते हैं। आपका अगर भाव सच्चा होगा
तो भगवान आपके भाव में आएंगे। हमारा भाव भी सच्चा है और हमारा काम भी सच्चा है, हम जो कहेंगे वो करेंगे। जितनी भी चीजें आपके सामने बोलेंगे, अगर कोई काम नहीं कर पा रहे तो उसके लिए भी हम आपसे कहेंगे कि नहीं, ये काम हम नहीं कर पाएंगे, ये काम संभव नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे कि आप कहिएगा कि जो है यहाँ सर्वे ऑफ इंडिया में इसमें जो है दिन में ही आसमान के तारे दिखा दो, ये काम हम नहीं कहेंगे। हम आपसे मुझसे कहेंगे तो मैं कहूंगा कि दिन में तारे दिखेंगे भी नहीं और तारे हम दिखा भी नहीं सकते हैं। ये वही कहते थे जो 2017 से पहले सरकार में थे, वो दिन में ही तारे दिखा देते थे, वो सर्वे ऑफ इंडिया को दिल्ली और बंबई बना देते थे, यानी लंदन नहीं बनाया उन्होंने, दिल्ली और बंबई बनाने का काम करते थे। आज उनका एजेंडा, जिनके बारे में अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे, उनका एजेंडा केवल और केवल चुनाव है। वो यात्रा निकालते हैं चुनाव के लिहाज से निकालते हैं, वो कोई संगठन का काम करते हैं, पार्टी में पदाधिकारियों को बनाते हैं, तो उनका एजेंडा केवल चुनाव है। चुनाव के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, चुनाव के अलावा उनका कोई अपना आधार भी नहीं है। जो काम करेंगे केवल चुनाव को ध्यान में रखकर करेंगे। हमसे मेरे से मीडिया के बंधु पूछते हैं कि आपका एजेंडा क्या है, हमने कहा है जिस एजेंडे को पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं उसी एजेंडे को उत्तराखंड के अंदर लागू करना हमारा एजेंडा है, विकास का एजेंडा लागू करना हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा केवल चुनाव नहीं है, जब चुनाव आएगा तो हम चुनाव की बात करेंगे। हमारे गणेश जोशी जी के बारे में अब बताऊं मैं आपको, अब ये अगले 1 तारीख से 1 महीने की यात्रा में निकलने वाले हैं, 1 महीने की यात्रा में निकलेंगे पूरे उत्तराखंड में। अब आपको इनको रोज देखने की आदत हो गई है, आप इनको रोज देखते हैं, अब ये मंत्री हो गए हैं। ये मंत्री केवल मसूरी विधानसभा के नहीं है, आपके विधायक हैं, लेकिन ये मंत्री पूरे प्रदेश के हैं, ये और सैनिक कल्याण के मंत्री हैं। हमारा प्रदेश वीरों का प्रदेश है, सैनिकों का प्रदेश है, हमारे आंदोलनकारियों का प्रदेश है, हमारे शहीदों का प्रदेश है। तो उस प्रदेश के अंदर सैनिकों के सम्मान में जो यात्रा निकलने वाली है, जिस यात्रा में हमारे देश के प्रमुख नेता भी भाग लेंगे, हमारे शहीदों के परिजन भाग लेंगे, हमारी वीरांगनाएं भाग लेंगी, वीर नारियां भाग लेंगी, उन सबका जगह जगह पर सम्मान होगा। पूरे प्रदेश के अंदर यात्रा निकलेगी, उस यात्रा का संयोजन करने की जिम्मेदारी गणेश जोशी जी की है। इसलिए अब आप लोग गणेश जोशी जी को जो है 1 महीने 2 महीने या 3 महीने तक भी आप नहीं देखेंगे तो आप सब लोग गणेश जोशी बनकर ये मसूरी विधानसभा में काम करेंगे। बताइए करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, अरे जोर से बोलिए करेंगे, तभी तो जाएंगे, और ये जाएंगे तो लोगों का सम्मान करेंगे। तो मैं अभिभूत हूं आज सब लोगों ने इतना स्नेह दिया, इतना आशीर्वाद दिया, और मैं भली भांति जानता हूं कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र से मेरे को जानकारी है, क्योंकि आदरणीय नरेश जी हमारे महामंत्री होते थे, इनके सानिध्य में रहकर उत्तराखंड के एक एक कोने में मैं गया हूं, एक एक कोने के बारे में जानता हूं, एक एक जगह के बारे में जानता हूं, नौजवानों के बारे में, माताओं बहनों के बारे में, इतनी मुझे सुविधा है कि मैं हर क्षेत्र के बारे में जानकारी रखता हूं। तो मैं आपसे बिल्कुल संकल्पबद्ध होकर कहना चाहता हूं कि हम जो है निश्चित रूप से उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नंबर एक का उत्तराखंड बनेगा, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं हमारे युवा भाई बहुत सारे यहाँ पर नारे लगा रहे थे, जगह जगह पर स्वागत कर रहे थे, तो मैं युवाओं के लिए कहना चाहता हूं, किसी ने सच ही कहा है कि डूब कर भी हम उबरना जानते हैं, डूब कर भी हम उबरना जानते हैं, गिरकर भी हम संभलना जानते हैं। रोशनी इसलिए है अब तक चिरागों में, हम हवा का रुख बदलना जानते हैं, हम हवा का रुख बदलना जानते हैं। तो आज के अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए और हमारे आदरणीय मंत्री गणेश जोशी जी द्वारा कुछ यहाँ के क्षेत्र की बहुत सारी वैसे घोषणाएं हैं इनकी, ये पूरा पन्ना दे रखा है और कितनी तो ये करवा चुके हैं पहले। मसूरी का मतलब ये कोई भी नाली तक नहीं छोड़ते हैं, कहीं पर एक ईंट भी गुड़ी हो तो कोशिश करते हैं कि वो ईंट भी इनकी जो है उसी दिन लगनी चाहिए या उसमें जो है सरकार का पैसा आना चाहिए। तो मैं वार्ड नंबर 5 धौरण खास, वार्ड 7 जाखन, वार्ड 8 सालावाला, वार्ड नंबर 9 और आर्यनगर, वार्ड 10 भोभाल वाला, वार्ड 11 विजय कॉलोनी सहित बिलासपुर, कांडली, जैतन वाला एवं मनसद
मंस्ता वाला में सड़कों का पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा, इसकी घोषणा करता हूँ। विजय कॉलोनी पथरिया पीर नीलकंठ बिहार इंदिरा कॉलोनी चुक्कू वाला क्षेत्र में सिविल लाइन निर्माण कार्य किया जाएगा। सिंगली हल्दू वाला संतला देवी भितरली एवं मंस्ता वाला में झील का निर्माण कार्य किया जाएगा। वार्ड नंबर 8 सालावाला में न्यू कैंट रोड से सालावाला की ओर जाने वाले मार्ग का पुल का निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायत रिखोली में 16 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। सोरान स्वजल क्षेत्र के अंतर्गत 5 किलोमीटर आंतरिक सीसी निर्माण सीसी सड़कों एवं पुस्तों का निर्माण कार्य किया जाएगा। ग्राम पंचायत चामासारी में पशु सेवा केंद्र बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत चामासारी के तल्यानीगढ़ गांव हेतु राजपुर टोल से सिमियाना तक 4 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा। ग्राम पंचायत सेरा गांव के अंतर्गत सिलकोटी में पुल निर्माण कार्य किया जाएगा। ग्राम पंचायत सरोना के छोटी छमरोली से डोमकोट तक 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। ग्राम पंचायत सिल्ला के अंतर्गत सेरा सिल्ला डबरानागढ़ तक पीएमजीएसवाई के माध्यम से 10 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। नाबार्ड के माध्यम से ग्राम पंचायत सिल्ला के सेरा भूमिसरो काड़द काड़ीगांड आदि क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्य किया जाएगा। नाबार्ड के माध्यम से सहजधारा नहर के अंतर्गत भूमिगत भाग में आरसीसी पाइपलाइन बिछाने का निर्माण कार्य किया जाएगा। जिला पंचायत चंद्रूटी में 5 किलोमीटर आंतरिक सड़कों एवं पुस्तों का निर्माण किया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। नरेश बंसल जिंदाबाद। गणेश जोशी जिंदाबाद।